नहीं। ओके तो राइट गाइस, आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आपको जो स्टेटस आपने अभी प्रीव्यू में देखा है, तो दोस्तों इस तरीका से स्टेटस को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है अलाइट मोशन, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसका मोड वर्जन चाहिए तो दोस्तों हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो दोस्तों आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर हमने पिन करके दे दिया, तो दोस्तों आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो में जो भी फोटो और वीडियो क्लिप पोस्ट करूंगा तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो दोस्तों आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो दोस्तों आपको टेलीग्राम को ओपन करना, सर्च बार में लिख देना RJP एडिटिंग, तो दोस्तों हमारा चैनल वहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप वहाँ से भी सारे मटेरियल को डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरीका से न्यू न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग आती रहेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक सॉन्ग बीट मारा और एक दूसरा सेक इफेक्ट को इनपुट कर लेना है। आप उस लिंक पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों डायरेक्टली इनपुट हो जाएगा लाइट मोशन में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक सॉन्ग बीट मारा और दूसरा सेक इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली एक बार बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे लेयर दिखाई दे रहे होंगे, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर को कॉपी करना है। तो दोस्तों इन सभी लेयर को कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करके फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको कॉपी 63 लेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना। दोस्तों उन सभी लेयर को पेस्ट करना है, तो दोस्तों पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेस्ट 63 लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा लेयर ऐड हो जाएगा अपने बीट के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा सभी लेयर अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी को लास्ट तक दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप सभी लोग लास्ट तक देख लीजिएगा, हमारा सभी लेयर अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। तो दोस्तों हमें इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों फोटो कैसे ऐड करना मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। फोटो को ऐड करने के लिए आपको इस तरीके से फर्स्ट में आना हो, फर्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्विच पर क्लिक करके स्टार के बॉक्स पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। आप जिस भी फोल्डर में फोटो को रखें तो दोस्तों फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपकी सारी फोटो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्विच पर क्लिक करके स्टार के बॉक्स पर क्लिक करके फिर से कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्विच पर क्लिक करके स्टार के बॉक्स पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्विच पर क्लिक करके स्टार के बॉक्स पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके जितने भी लेयर बचे हुए हैं तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना, जैसे जैसे मैंने बताया है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना। फोटो को ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपका स्टेटस क्रिएट हो जाएगा एंड रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे मैं इन सभी लेयर पर इफेक्ट को पहले से ही क्रिएट करके दे देता हूँ। तो दोस्तों आपको सिर्फ फोटो को ऐड करना है, दोस्तों आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों मैं सभी लेयर पर फोटो को ऐड करके क्यों नहीं बताता, अगर दोस्तों मैं सभी लेयर पर फोटो को ऐड करके बताने लगूंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दो चार ही लेयर पर फोटो को ऐड करके बताता हूँ। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना और दोस्तों आपका जो स्टेटस है तो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको स्टेटस को एक्सपोर्ट करना है, तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, तो दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों आपको कोई भी डीजे सॉन्ग पर डीजे स्टेटस बनवाना है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो दोस्तों तुम्हारा भाई नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों आपको कोई भी अलाइट मोशन से प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर दीजिएगा या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो दोस्तों आप वहां से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों तुम्हारा भाई जल्द ही तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से नए धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो।